Assalamualaikum guys, question है differentiate with respect to x. तो question की जो expression है वो आपके सामने है, तो सबसे पहला काम करेंगे इसको let कर लेंगे y के equal 1 plus under root x, x minus x की power 3 by 2, और नीचे आ जाएगा आपके पास under root x. तो ना तो इस पे कोई quotient rule या product rule की तरफ जाना है, सबसे पहला काम करना है इस expression को simplify कर लेना है. सिंपलीफाई करने के बाद देखेंगे हमारे पास जो भी फाइनलाइज जो भी रिजल्ट बचेगा उसको फिर हम लोग उस पे फिर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो इट मींस टू से लेट y किया है तो हमें फाइंड क्या करना है, dy / dx. तो सबसे पहला काम है इसको सिंपलीफाई करना है. तो सिंपलीफाई करेंगे, आपको बेसिक कांसेप्ट बेसिक मैथमेटिक्स का जो कांसेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. वही चीज यहां पे यूज होंगी. ठीक है, और अगर बेसिस सेम है डिवाइड हो रही है तो पावर्स हो जाएंगी सबट्रैक्ट. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनको पहले पावर्स में लिख दो, रेडिकल साइन जितने भी है जहां भी है वो खत्म कर दो. ये आ जाएगा 1 बाय 2 एक्स, और कोई पावर नहीं है तो क्या होती है पावर 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2. नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 बाय 2. सो स्टार्ट करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x 1 by 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 से करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा x की पावर 1, 1 लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, x की पावर 3 by 2. अब x 1 by 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है, इधर भी x है ये भी x है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 by 2 plus 1. यहां पे नेक्स्ट x को 1 by 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वंस अगेन बेसिस सेम है, और यहां पे साइंस का भी ध्यान रखना है, यहां प्लस साइन है या माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा. सो x की पावर क्या है 1 by 2, सो यहां पे है 3 by 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास पावर्स इनकी क्या बन रही है. सो y इज इक्वल्स टू x की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आ जाएगा x की पावर 3 by 2 प्लस यहां पे आ जाएगा x की पावर 3 by 2 माइनस x की पावर यहां पे क्या बन जाएगा ऊपर 4 नीचे 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 by 2 मींस उसे आ जाएगा फाइंड आउट ओके x का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x की पावर 1 by 2. अब यहां पे आप नोट करो जो पावर सेम है ऑपोजिट साइन के साथ पड़ी, मींस उसे ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास y = x की पावर 1 जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पावर उसकी अगर 1 आ जाए तो ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, लेकिन अभी भी फाइनलाइज रिजल्ट नहीं है, अब फर्दर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. सिंपलीफिकेशन करने से आसानी होती है जब आप इस पे डेरिवेशन अप्लाई करते हो, तो कोई रूल प्रिंसिपल मींस से अगर आपने क्वेश्चन रूल जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे अगर डायरेक्टली रूल्स अप्लाई करते तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन रूल लग जाता, क्वेश्चन रूल के अंदर ये जो ऊपर चीज थी उसमें फिर आगे फर्दर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग जाता तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बन जानी है. सो क्वेश्चन में भी आपके पास ऊपर स्टॉप पे लिखा गया डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसने ये नहीं कहा कि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपने प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल से ही करना है, आपकी मर्जी है, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो आसान एक एक्सप्रेशन में ले आओ, देन फिर आगे इसको जो भी बाकी रिमेनिंग फिर उस पर रूल बचता है वो लगा देंगे. ठीक है, अभी फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम यहां लिखेंगे y = x ले लेते हैं ऊपर कॉमन, तो रिमेनिंग अंदर चीज क्या रह जाएगी, जस्ट रह जाएगा 1 माइनस x, और नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है x की पावर 1 by 2. अब यहां पे x की पावर कुछ नहीं है तो इट मींस से 1 है, ये x और ये x आपस में क्या हो रहा है डिवाइड, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट, तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं x की पावर 1 minus 1 by 2, और आगे जो भी ब्रैकेट में है जो कि मल्टीप्लाई होकर लिख रहा है वो आपने एज इट इज लिख देना 1 minus x. So y is equals to x की पावर, इनकी पावर्स को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर minus 1 by 2, और सॉरी माइनस 1 बाय 2 नहीं 1 बाय 2. ठीक है, क्योंकि 1 आपके पास 1 में से 1 बाय 2 माइनस हो रहा है तो याद रहेगा आपके पास 1 बाय 2. सो अब यहां पे फर्दर और भी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, वो क्या है कि x 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, और x को मल्टी x 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1. तो y is equals to 1 से जब x 1 by 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की पावर 1 by 2 as it is, और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस साइन x की पावर 1 by 2. यहां पे क्या है बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी. तो y is equals to x की पावर 1 by 2 minus x की पावर यहां पे आ जाएगा 3 by 2. सो फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं सॉरी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट आप इस पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन. तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे आप लिखो डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, तो जब भी आपके पास ये डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आए ऊपर टॉप पे लिखा हो स्टेटमेंट में, मतलब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में लिखा हो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जस्ट ये लिखा हो तो आप फ्री हो, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, बहुत आसान सी जब आ जाए सिंप्लीफाई हो जाए एक्सप्रेशन, देन उस पर फिर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। तो अभी यहाँ पे इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस पर सेपरेट पावर लग जाएगा, इस पर सेपरेट पावर लगेगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है, डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, एक्स की पावर 1 बाई टू माइनस एक्स की पावर 3 बाई टू, तो पावर पहले पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इसकी बेस का वो वन हो जाना, वन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस इसमें भी अप्लाई करोगे डेरिवेशन इसकी लोगे तो क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इसकी बेस का वो हो जाना वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो तो यह रहेगा माइनस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू ओवर एक्स की पावर, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, वन बाय टू। सो फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जहां भी पावर नेगेटिव आ रही है उसकी पावर को हम कर देंगे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, 1 बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई टू, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है पावर, तो स्टिल वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। फर्दर इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 अंडर रूट एक्स, नहीं चलो अभी पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, 2 है और एक्स की पावर क्या रहेगा, 1 बाई टू। तो अब आप नेक्स्ट टर्म में क्या काम करना है, ये जो आपके पास चीज आ गई है ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 2 और ये 2 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, x 1 by 2 है और ये x 1 by 2 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1 by 2 और 1 by 2, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, चलो मैं इन डिटेल और करा देता हूं, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, x 1 by 2 है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, बेसिस सेम है, आपके पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाके ऐड हो जाएंगे, तो 1 माइनस 3 x की पावर कितना आ जाएगा, 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू, तो क्या आएगा, 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू, और नीचे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 2, इसको मैं रेडिकल साइन में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 बाय टू है तो इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, आगे क्योंकि फर्दर ना तो कोई कैंसिलेशन होनी है ना किसी तरह की सिंप्लीफिकेशन होनी है, सो इसको अब आप रेडिकल साइन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू 1, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा x, 1 ऊपर टॉप पे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट x, तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनलाइज्ड आंसर, जो कि एक्चुअली क्या है, dy by dx। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन स्टिल कहीं पे भी किसी स्टेप में भी अगर इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो एज सून एज पॉसिबल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं इंशाल्लाह ताला वो आपके रिजॉल्व कर दूंगा। तो जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक लेवल का भी है तो पूछो, अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है, और विदाउट एनी हेजिटेशन लेवल का मिस, आपके जो भी स्टडीज का लेवल चल रहा है अभी उसको इग्नोर करते हुए, तो जो भी आपके प्लस माइनस एलसीएम अगर इसमें भी कोई इशू आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक चीज चल रही है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, वो क्या है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस और मल्टी बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है डिवाइड हो रही है तो पावर्स हो जाएंगी सबट्रैक्ट, बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।